हो चाहे मेहंदीपुर धाम हो, लेकिन सबसे ज्यादा भीड़, सबसे ज्यादा भक्तों की संख्या यदि इन दोनों धामों में मिलेगी तो वो हरियाणा और पंजाब के भक्तों की मिलेगी। ये आपके लिए, सभी बालाजी महाराज के भक्तों के लिए गौरव की बात है। एक बार जरा मिलकर जोरदार का जयकारा, पहली रचना पहला पुष्प हनुमान जी के नाम का जरा मिलकर गुजरा बोल को मनु सुध हनुमान की, वो श्री बालाजी महाराज की। सिर्फ दो मिनट के लिए अपने गुरुदेव अपने इष्ट देव को नमन करते हुए आपसे मैं मुखातिब होता हूं। सिर्फ दो मिनट के लिए अपने गुरुदेव अपने इष्ट देव को नमन करते हैं।
सबसे पहले अपने इष्ट का ध्यान धरता हूँ। मुस्कुराकर भक्ति का जाम भरे मेरे गुरु जी ने ही सिखाया है कि भजन शुरू करने से पहले सभी को प्रणाम करता हूँ। आज 5 साल के बाद में चीका में आने का ये सौभाग्य मेरे को मिला है। आज से 5 साल पहले जब पहला कीर्तन बाबा का यहाँ पर हुआ था, पहले कीर्तन की श्री गणेश वंदना का सौभाग्य भी मेरे को मिला था, और आज फिर 5 साल के बाद में यहाँ पे आके जो माहौल देख रहा हूँ, आज ऐसा लग रहा है कि एक छोटा सा पौधा जब उस समय अंकुरित हो रहा था, आज बाबा की कृपा से इतना बड़ा वृक्ष का रूप ले चुका है, इतने बड़े वट वृक्ष का रूप ले चुका है। इस पेड़ में न जाने कितने पत्ते, न जाने कितने फूल महक रहे हैं, न जाने कितने पक्षी चहक रहे हैं। ये बाबा का दिया हुआ सुंदर सा बगीचा, सुंदर सा यह पेड़। मैं बाबा से यही प्रार्थना करूंगा, बाबा जब तक ये दुनिया रहे, जब तक ये जहान रहे, ये चीका का कीर्तन जो आपकी प्रेरणा और आपके आशीर्वाद से शुरू हुआ है, ये कीर्तन आपकी कृपा से हमेशा बढ़ता जाए। यही शुभकामना देते हुए सबसे पहली रचना हनुमान जी के लिए मैं गाना चाहूंगा। जो भक्त पीछे की ओर बैठे हैं, आप लोगों को यदि तकलीफ ना हो तो एक बार थोड़ा उठ के आगे आ जाइए, काफी जगह आगे खाली हुई है। आप लोगों का मन करता है तो थोड़ा सा आगे आ जाइए। मेरा बाबा सैकड़ों किलोमीटर दूर से आपके लिए आ सकता है, तो क्या हम इसके लिए 2 कदम नहीं आ सकते? आगे आइए, थोड़ा सा आइए जरा, क्या बात है। हमारी माता बहनों से प्रार्थना करूंगा, जो बैठी है, जो सुन रही है, जो भजन में वाक्य में जो मन लगा के बाबा का कीर्तन करना चाहती, रिझाना चाहती है, मैं चाहूंगा एक बार सभी मिलके आगे आए, झूम के गाएं, और जरा मिलके जरा जोरदार का जयकारा बजरंग बली के नाम का फिर से जरा बोल पवन सुत हनुमान की। और लीजिए पहली रचना हनुमान जी की, पूर्ण रूप से सालासर धाम को समर्पित ये रचना है। गाना चाहूंगा बड़े प्रेम से, एक बार जरा सारे भक्त मिलके गाएं साथ में, कहेंगे क्या, हे पवन पुत्र बिटो साउंड से जो आए हुए हमारे ऑपरेटर, उससे मैं प्रार्थना करूंगा कि एक बार अपना सीट संभाले। हे पवन पुत्र बजरंगी, मैं तेरी कृपा पा जाऊं। वैसे तो सब भक्तों पर बजरंग बली की कृपा है, लेकिन कौन कौन चाहते हैं, आज शनिवार की रात है, कौन कौन बजरंग बली का आशीर्वाद लेना चाहते हैं, एक बार जरा मिलकर जरा इन पंक्तियों को साथ में गाना। चाहे देखो इतनी देर हजारों की भीड़ थी इस दरबार में, अब यहाँ पे गिनती के सैकड़ों आदमी मेरे को दिख रहे हैं, हजारों के बजाय सैकड़ों में, लेकिन कहते हैं कि गिनती के यदि 50 भक्त भी यदि बैठे हो, प्रेम से सुनने वाले, भजन करने वाले, आनंद तो उसी में भी आ जाता है। मैं चाहूंगा कि इन पंक्तियों के बाद सारे भक्त मिलके गाएं, मिलके बोल रहे सर, हे पवन पुत्र बजरंगी, मैं तेरी कृपा पा जाऊं। बोलिए, पवन पुत्र तेरी कृपा। कौन सी कृपा? यदि बात अच्छी लगे तो तालियां बजा के आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। कौन सी कृपा? कि मेरा दिल करता है दौड़ के सालासर आ जाऊं, वो मेरा दिल सालासर आ जाऊं। अच्छा बताओ, अपने जीवन में सालासर गए कौन कौन है? अरे बाबा क्या बात है, जो गए हैं वो भी एक बार जरा हाथ रोना, जो नहीं भी गए वो भी जरा दोनों हाथ खोल के, क्योंकि अगले महीने 25 अप्रैल हनुमान जयंती है, जो जो जाना चाहे बाबा जरूर बुलाएगा, जरा दोनों हाथ खोल के जरा ताली लगा के बोलना के साथ, क्या कि मेरा दिल करता है दौड़ के साला सर आ जाऊं, मेरा दिल करता है दौड़ के साला सर आ जाऊं। हे पवन पुत्र बजरंगी, हे पवन पुत्र बजरंगी, हे पवन पुत्र बजरंगी, तेरी कृपा पा जाऊं, मेरा दिल करता है दौड़ के साला सर आ जाऊं, मेरा दिल करता है दौड़ के साला सर आ जाऊं। अच्छा एक बार, इतनी देर आप लोग यहाँ पे बैठे हो, ये सालासर धाम का मंदिर, जो जो गए हैं, जिन्होंने दर्शन किए हैं, और जो जो फिर से जाना चाहते हैं बजरंग बली के मंदिर, एक बार जरा दोनों हाथ लाना सालासर धाम के नाम का, किसी का हाथ नीचे नहीं, देखना चाहता हूं कि शनिवार की रात में मेरे बजरंग बली के लिए कितनी तालियां बजती है श्याम बाबा के चीका परिवार में। दोनों हाथ खोल के जरा मिलके ऐसा, 1 2 3 4।
भजन की मेन लाइन है कि मेरा दिल करता है दौड़ के। अब सालासर में ऐसा क्या है कि जहां बार बार जाने का मन करता है? जरा सुनिएगा मंदिर की विशेषता और जरा मिलकर प्रेम से बोलना एक बार। पूरब मुख मंदिर तेरा, पूरब मुख मंदिर तेरा, मेरे हनुमान का डेरा, मेरे हनुमान का डेरा, चांदी के दरवाजों पर श्री राम नाम का पहरा, चांदी के दरवाजों पर श्री राम नाम का पहरा। पूरब मुख मंदिर तेरा, मेरे हनुमान का डेरा, पूरब मुख मंदिर तेरा, मेरे हनुमान का डेरा, चांदी के दरवाजों पर श्री राम नाम का पहरा, चांदी के दरवाजों पर श्री राम नाम का पहरा। मेरे इष्ट देव हो, मेरे इष्ट देव बाला सा, 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 तेरा दर्शन में पाऊं, मेरा दिल करता है दौड़ के साला सरिया जाऊं, मेरे इष्ट देव बाला जी, इष्ट देव बाला जी, तेरा दर्शन में पाऊं, मेरा दिल करता है दौड़ के साला सरिया जाऊं, बोलिए दिल करता है दौड़ के साला सरिया जाऊं। अच्छा, जो गए हैं ना सालासर के मंदिर, उनको ये पता है कि सालासर धाम में आज स्थिति ये है कि मंदिर के अंदर एक इंच की भी जगह नहीं बची जहां पे सोना चांदी लगवाया जा सके, जहां एक इंच की भी जगह नहीं बची कि मंदिर में सोना चांदी लगवाया जा सके। हनुमान जी जो अपने पूरे जीवन काल में सोने चांदी से दूर रहे, यहां तक कि सोने की लंका जला डाली, लेकिन कलयुग में कैसा करिश्मा भक्तों ने किया कि पूरे के पूरे मंदिर को सोने चांदी से लाद दिया। या तो पंजाब के अंदर स्वर्ण मंदिर अमृतसर में, या राजस्थान जाओ तो हमारा सालासर धाम का मंदिर, ऐसा लगता है जैसे स्वर्ण मंदिर में आ गए। सच बताना भक्तों, जिन भक्तों ने दर्शन किए हैं, सच बताना, ईमानदारी से बताना, हाथ लगा के बताना कि किन किन भक्तों को सालासर धाम का मंदिर प्यारा लगा। जिन जिन को प्यारा लगा, एक बार उतनी प्यारी तालियां देना एक साथ, एक दो और जोर से, एक दो तीन, अच्छा बोल बालाजी महाराज की। और माताओं मेरा सुनिएगा, ये तो भी मंदिर की विशेषता, अब सालासर गांव की क्या विशेषता है? सालासर गांव की जरा सुनिएगा, ये लाइनें सुनने के बाद में मुंह में पानी जरूर आएगा, लेकिन सबको बोलना पड़ेगा एक बात है, मिल गए। हो वो देसी घी के लड्डू, आया ना मुंह में पानी, होते ही इतने स्वादिष्ट है वहां के लड्डू, वहां के पेड़ है। और जब बजरंग बली को भोग लग जाए तो ऐसा लगता है जैसे कि साक्षात अमृत का प्रसाद है, जितनी मिठास उन लड्डुओं में है उतनी मिठास भरी। जरा तालियां तो बजा दे, जय हो, ऐसे नहीं, जरा ले के साथ एक दो, ये बात। हो वो देसी घी के लड्डू, भर पेट चूरमा खाऊं, देसी घी के लड्डू, भर पेट चूरमा खाऊं, कुएं का खारा पानी पीकर हर रोग मिटाऊं, कुएं का खारा पानी पीकर हर रोग मिटाऊं, वो देसी घी के लड्डू, भर पेट चूरमा खाऊं, कुएं का खारा पानी पीकर हर रोग मिटाओ, कुएं का खारा पानी पीकर हर रोग मिटाओ, तेरे रोटी का भोग हो,
रोटी का भोग में पा गए, तेरे रोटी का भोग पुलकित मन हो जाओ, मेरा दिल करता है दौड़ के साला सर आ जाओ, दिल करता है दौड़ के साला सर आ जाओ। चाहे खाटू जाओ चाहे साला सर जाओ, यहाँ की जमीन का पानी आपको खाना मिलेगा। सालासर के लड्डू मीठे जरूर हो सकते हैं, खाटू का चूरमा मीठा हो सकता है, लेकिन यहाँ की जमीन का पानी खारा है। लोग सोच रहे हैं कि पानी बदल जाएगा तो तबीयत खराब हो जाएगी, लेकिन भक्तों जब भी सालासर जाना जब भी खाटू जाना, यदि वहां के धरती के पानी का आचमन नहीं किया नहीं पिया तो वहां हमारा जाना ही बेकार है, क्योंकि उस पानी में इतनी ताकत है इतनी शक्ति है कि बड़े से बड़े रोग बड़े से बड़े कष्ट बड़े से बड़े संकट दूर होते हैं। जो इस बात को मानता है कि सालासर धाम में ऐसी शक्ति है, जरा हाथ खोल के बताना कौन कौन मानता है कि सालासर धाम में ऐसी शक्ति है। जो मानते हैं दोनों हाथ खोल के जरा इस साथ, एक दो तीन अच्छा वो साचे दरबार की और ये जिस भजन के अंतिम लाइन बड़ी सुंदर बात कही, तेरी रत्न जड़ित मनोहारी, तेरी रत्न जड़ित मनोहारी वो बड़ी अनोखी प्यारी, वो बड़ी अनोखी प्यारी झांकी का दर्शन करके हो जाऊं गदगद भारी, झांकी का दर्शन करके हो जाऊं गदगद भारी, झांकी का दर्शन करके हो जाऊं गदगद भारी, झांकी का दर्शन करके हो जाऊं गदगद भारी। ये हर्षि कहे हो कहे तेरी पावन, ये हर्ष कहे तेरी पावन, ये हर्ष कहे तेरी पावन, हर्ष कहे तेरी पावन, ये हर्ष कहे तेरी पावन, चौखट पे झुक जाओ। भजन ये समाप्त हुआ, एक बार जरा मिलके बोलना, ये हर्ष कहे तेरी पावन, चौखट पे झुक जा। जरा बताओ किन किन का मन क्या है इस भजन को सुन के साला सर जाने का, ईमानदारी से बताना। जो माता बहने जो गए हैं वो भी हाथ बताना, और जो नहीं भी गए वो भी जरा दोनों हाथ खोल के और जरा ताली लगा के बोलना क्या, कि मेरा दिल करता है दौड़ के साला सर आ जाओ, मेरा दिल करता है दौड़ के साला सर आ जाओ, मेरा दिल करता है दौड़ के साला सर आ जाओ, जय हो जय हो, मेरा दिल करता है। एक बार मैं चाहूंगा एक बार जरा दोनों हाथ खोल के साला सर धाम के नाम, मेहंदीपुर सरकार के नाम, जरा एक हाथ साला सर के नाम और दूसरा हाथ मेहंदीपुर सरकार के नाम, किसी का हाथ नीचे नहीं, और यहाँ ताली जाके बोलना है साहब, मर बेड़ा मर बेड़ा पर लगा दीजो के साला सर हनुमान, मारो साला सर हनुमान मारा मेहंदीपुर हनुमान, पेड़ों पर लगा दीजो ओ साला सर हनुमान, पेड़ों पर लगा दीजो ओ मारो पेड़ों पर लगा दीजो साला सर हनुमान।
बालासर धाम की, जरा जोरदार का देखा तो लगा दो भाई, बोल मेहंदीपुर सरकार की, मांझनी के लाल की, बोल लाल लंगोटे वाले की, मैं खाटू नरेश की लखदातार की। अच्छा ये बताइए कि आज यहाँ पे 5 साल से कीर्तन हो रहा है लगातार, ये बाबा के जागरण हो रहे हैं 5 सालों से लगातार, कौन कौन आ रहे हैं यहाँ पे? ऐसे कई भक्त हैं जो लगातार 5 सालों से आ रहे हैं, क्या बात है, हाथ नीचे कर लीजिएगा, बहुत अच्छी बात। और मैं तो ये चाहता हूं कि जब तक इस जीवन में, जब तक इस शरीर में हमारे प्राण रहे, जान रहे, तब तक हमें बाबा यहाँ पर बुलाता रहे। कौन कौन चाहता है कि जब तक जीवन रहे तब तक बाबा की कृपा हमारे पे बनी रहे और बाबा हमें अपने दरबार में, क्योंकि कहते हैं कि ये मौज सबको नसीब नहीं होती, ये जो आनंद ले रहे हैं ना, मैं कहता हूं इतने